गुड्डिस किचन में खाना पकाए घर में हेल्दी टेस्टी खाना बनाए। हेलो दोस्तों, गुड्डिस किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी ईरानी चिकन। ईरानी चिकन खाने में थोड़ा मीठा होता है, लेकिन मैं इंडियन टेस्ट को ध्यान में रखते हुए इसे अपने तरीके से बनाया है। तो चलिए देर ना करते हुए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक मिक्सर बॉल ले लेंगे और इसमें डालेंगे 8-10 लहसुन की कलियां और डालेंगे 5 हरी मिर्च। आप अपने हिसाब से तीखा कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसमें डालेंगे 10 बड़ा धनिया पत्ता के डंडल, 1 इंच अदरक टुकड़े करके और 15-20 काली मिर्च। अब इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी, 3 टीस्पून ऑयल और 1/2 टीस्पून नमक। इन सारी चीज़ों का एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। मैंने 700 ग्राम चिकन लिया है। इस डिश के लिए हमें चिकन के टुकड़े बड़े ही रखना है। ये मैंने अच्छे से धो लिया है। अब इसे हम मैरिनेट करेंगे। तो हमने जो पेस्ट बनाया अब इसमें डाल देंगे। अब इस मसाले को अच्छे से मसल के चिकन को लगा लेंगे ताकि मसाले चिकन के अंदर अच्छे से चला जाए। अब इसे आधे घंटे के लिए हम साइड में रख देंगे। ये मोलासेस है जिसे अनार के जूस से बनाया जाता है। ये ईरानी चिकन का मेन इंग्रेडिएंट्स है। इसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, जिसका लिंक मैं नीचे दे दूंगी, आप वहाँ चेक कर सकते हैं। अब एक पैन ले लेंगे, गैस को ऑन कर लेंगे और इसमें डालेंगे 1/2 कप अखरोट, जिसे हमें हल्का रोस्ट कर लेना है। इसमें हम थोड़ा नमक डालेंगे ताकि इक्वली सारे अखरोट अच्छे से रोस्ट हो जाए। इसे हमें 2-3 मिनट हल्के आंच पे रोस्ट करना है। ख्याल रखना है ये बिल्कुल ना जले। आप गैस ऑफ कर देंगे और इसे एक प्लेट में डाल देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। अगर वो ठंडा हो गया है अब इसे एक मिक्सर बोल में डाल लेंगे और इसमें डालेंगे 1/4 कप दही। और ये दोनों चीजों का एक अच्छा सा महीन पेस्ट बना लेंगे। हमने इसका पेस्ट बना लिया है, अब इसे भी साइड में रख देंगे। गैस ऑन कर लेंगे और उसमें एक पैन रखेंगे। अब इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल, 1 चेक कर लेंगे तेल अच्छे से गर्म हो गया। अब हमारा मैरिनेट किया हुआ चिकन जो है इसमें डालेंगे। इस टाइम हमें गैस का फ्लेम स्लो ही रखना है और इसे आहिस्ते से हमें भूनना है। ये जब तक भुने हम दूसरा गैस ऑन करके इसे ट्रांसफर कर देंगे ताकि हम इसके लिए मसाला बना सकें। अब हम भी कढ़ाई को गर्म कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून ऑयल। बीच बीच में हम चिकन को पलटाते रहेंगे।
तेल गरम हो गया है, इसमें डालेंगे दो दालचीनी के टुकड़े और चार पांच लौंग। इसे थोड़ी देर भून लेंगे। अब इसमें डालेंगे तीन मीडियम साइज के प्याज, जिसे मैंने बारीक काट लिया है। अब मीडियम फ्लेम पे इसे हमें गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। हमें बीच बीच में चिकन को भी पलटाते रहना है, ताकि वो भी अच्छे से कुक हो जाए। प्याज अच्छे से हल्का ब्राउन कलर लेके भुन गया है। हमें प्याज का इस तरह का टेक्सचर चाहिए। अब इसमें डालेंगे 150 ग्राम पिसा हुआ टमाटर। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे भी अच्छे से भून लेंगे। आप देख सकते हैं इसमें से ऑयल निकल चुका है, चिकन भी अच्छे से कुक हो रहा है या टमाटर कुक हो चुका है। अब इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून भर के कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1.5 टीस्पून हम धनिया पाउडर डालेंगे और डालेंगे 1/2 टीस्पून नमक। सारे चीज़ों को अच्छे से मिलाते हुए भूनेंगे। अब मसाले से तेल निकल गया है, इसमें डाल देंगे अखरोट का पेस्ट। गैस को कम कर देंगे और इसे भी अच्छे से मिलाते हुए भूनेंगे। मिक्सर के बाटी में जो मसाले लगे हुए थे, उसमें मैंने थोड़ा पानी डाल लिया है और उसी पानी को हम अभी थोड़ा थोड़ा करके डालते रहेंगे और मसाले को भूनेंगे। मसाले से तेल छूट गया है। अब इसमें डालेंगे हमने जो मोलासेस बना के रखे थे, वो 3 टेबलस्पून हम डाल देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें हमारा चिकन अभी फ्राई हो चुका है। अब इस चिकन को इसमें डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे ढककर हम 5 मिनट के लिए स्लो कुक करेंगे। 5 मिनट हो गया है, मसाले ने तेल छोड़ दिया है। एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब बाकी बचा हुआ पानी इसमें डाल देंगे। इस डिश में हम ज्यादा पानी की यूज नहीं करेंगे, ये सेमी ग्रेवी ही बनता है। गैस को स्लो कर देंगे और फिर से इसे 5 मिनट के लिए स्लो कुक करेंगे। ये थोड़ा ठीक हो गया था और मुझे चिकन को अभी थोड़ा और बॉईल करना है, तो इसलिए हम 1/2 कप पानी डालेंगे और ये पानी मैंने गरम डाला है। और इसे और थोड़ी देर हम कुक करेंगे। अब इसमें डालेंगे 5-6 हरी मिर्च। इसे अच्छे से एक बार मिक्स कर देंगे और 2 मिनट के लिए हम इसे स्लो कुक करेंगे। 2 मिनट हो गया है।
हमारी ईरानी चिकन बनकर रेडी है। इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसे फिर से 2 मिनट के लिए हम स्लो कुक करेंगे। 2 मिनट हो गया है, आप देख सकते हैं बहुत ही टेम्पटेटिंग बना हुआ है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आप इसे घर में ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए, ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। आप इसे पुलाव, रोटी, पराठे किसी के साथ में इसका मज़ा ले सकते हैं। अभी हम इसे थोड़ा अनार के दाने, अखरोट और हरे धनिया से सजावट करेंगे। ये परोसने के लिए रेडी है। आप भी घर में बनाइए और इसका मज़ा लीजिए। और आपको कैसा लगा आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। मुझे उम्मीद है ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मैं जब भी नई रेसिपी डालूं वो आपको तुरंत मिले। अच्छा खाइए, स्वस्थ रहिए, फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। गुड डिश किचन में खाना पकाए, घर में हेल्दी टेस्टी खाना बनाए।